بسم الله الرحمن الرحيم। तो आपको वेलकम करते हैं पार्क कार्डियो फॉर्मेशन टीवी में। तो आप आए हमारी वीडियो पूरी पूरी देखा करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। फार्मिंग तमाम हम फॉर्मेशन जितनी भी फार्मिंग के बारे में डिटेल होती है हम इसमें पार्क कार्डियो फॉर्मेशन में डालते रहते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आने लगे। वीडियो बड़ी खास है, पूरी वीडियो देखें इंशाल्लाह, वीडियो में बहुत कुछ आपको समझ आएगा, बहुत कुछ पता चलने वाला है। पार्क कार्डियो फॉर्मेशन की तरफ से बहुत मजे की वीडियो है, लगी वीडियो को पूरा देखें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप दोस्त ठीक होंगे, हैरियत से होंगे और अपने फार्मिंग भी अच्छे से कर रहे होंगे। जी फ्रेंड्स, का आप सब दोस्तों को पता है कि हमारा आज चूजा हो गया तकरीबन 9 दिन का, आज हमारी 9वीं वीडियो है। तो माशाल्लाह 9 दिन का चूजा हो गया, आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा माशाल्लाह कितना हेल्दी और कितना एक्टिव चूजा है। दोस्तों माशाल्लाह तालबी कीजिएगा। तो पाक फॉर्मेशन की तरफ से ये तकरीबन 9 दिन की वीडियो है। तो आप चेक कर सकते हैं हमारा माशाल्लाह आज चूजा 9 दिन का हो गया है। तो आप सब दोस्तों को नजर आ रहा होगा माशाल्लाह हमारा चूजा। तो दोस्तों माशाल्लाह लाजमी कीजिएगा। तो टोटल 500 चूजा है ये हमारा। तो ये है कि आप देखें माशाल्लाह कितना एक्टिव और कितना हेल्दी चूजा है, ठीक है। तो दोस्तों आज जैसा कि हमने आपको बताया था 8वीं वीडियो में, 8वें दिन हमने आपको बताया था कि 9वें दिन हम नया करने वाले हैं। 9वें दिन हमने नया दोस्तों ये किया है कि हमें इनको तकरीबन आज रात को मैं आपको पता है ना पानी डाल दिया था, रात का मैं इसको लहसुन का पानी दिया था, आज हमने इसको लगा दिया है, फ्लशिंग करा दी है माशाल्लाह, फ्लशिंग की अच्छे तरीके से हो गई है। तो ड्रिंकर में हमें तकरीबन 2 ड्रिंकर गए हैं 5-5 लीटर वाले, उसमें तकरीबन हमने डाला है ये मीठा पानी। तो मीठा पानी सुबह हमने लगा दिया था। तो ये है कि इसने फ्लशिंग वगैरह की है, जितना भी इसका गंद वगैरह सारा निकल गया है। अभी ये तकरीबन ड्रिंकर हम रात को उठा देंगे। तो ये है कि इंशाल्लाह ये जो हमारा चूजा है तो इसके अंदर फ्लशिंग अच्छे तरीके से होगी होगी। तो अच्छे तरीके से मैं आपको ये अगर आप मतलब आपको पता चले ना फ्लशिंग कैसे होगी है चूजा आपको बताएगा, ठीक है। ये देखें दोस्तों ये मैंने चूजा लिया है, जब फ्लशिंग आप कर चुके हैं ना तो आप इसके ये जगह नहीं है ये देखें, ये जगह कोई ये चूजे ऐसे थे ना कोई कोई जहाँ पे जोर लगा रहे थे इनकी जो पिट्ठे वगैरह है वो निकल रही नहीं थी, ठीक है। अभी ये बिल्कुल साफ चूजा हो गया, ये आपको सामने नजर आ रहा होगा, ये चूजा कल इसी तरह कर रहा था। तो आज चूजा ये बिल्कुल पीछे साफ हो गया, आराम सुकून से ये जितनी भी गंदगी वगैरह अपने निकाल रहा है। तो दोस्तों ये है कि हम तकरीबन ये मैंने फ्लशिंग तकरीबन ये 1 बजे मैंने फ्लशिंग लगाई थी इनको। तो ये है कि अभी तक पड़ी हुई है, मतलब ये पानी में पी लिया काफ़ी तरह। तो ये है कि फ्लशिंग की अच्छे तरीके से हो गई है, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त पूछे थे मेरी भाई फ्लशिंग के बारे में बताया, फ्लशिंग जब हम लगाए तो चूजा जब फ्लशिंग करें फील्ड पड़ी रहनी चाहिए या नहीं पड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों फील्ड आप साथ रख दिया करें, फील्ड मैंने साथ रखी नहीं है, देखिए मैंने फुल ये भर के रखे थे। तो अभी मतलब थोड़ी और इनको डाली जाती है, देखें आपको फील्ड नज़र आ रही होगी। तो ये है कि मैंने फील्ड इनके सामने रखी थी, फील्ड मैंने उठाई नहीं है क्योंकि फ्लशिंग का ही होता है चूजा जब पानी की तरफ है तो अपना जो जगह के अंदर से गंदगी वगैरह है ना सारी मोशन के जरिए निकाल देता है, ठीक है, मतलब पीछे से काम आता है। तो ये है कि इसने जब फील्ड पड़ी होगा साथ साथ चूजा खाता रहेगा, साथ साथ खाता रहेगा कि ये कमज़ोर भी होगा, ठीक है। तो इस फ्लशिंग के दौरान ये आप फील्ड डालमी डाला करें तो माशाल्लाह चूजा आपको नज़र आ रहा होगा। तो 10वीं वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कल हमने 10वीं वीडियो में क्या करा, 10वीं वीडियो में मैं ये जितना पूरा वगैरह ये हमने सारा ये भूसा वगैरह ये चेंज कर देना है। तो क्योंकि ये 10वें दिन इसलिए चेंज करना है क्योंकि दोस्तों आपको पता है गैस वगैरह बन जाती है, दूसरा ये है कि सफाई वगैरह हो जाती है क्योंकि फ्लशिंग की दौरानी होता है इनकी, दूसरी फ्लशिंग की फ्लशिंग दौरानी होता है ना कि ये जो चूजे का होता है ना पानी वगैरह जो निकला होता है गंदगी वगैरह वो कोई वो बीच में जरासीम भी होते हैं ऐसे, दूसरा ये भूसा वगैरह ढीला हो जाता है, ठीक है। इसलिए से हम तमाम पूरा इतना कि ये भूसा वगैरह ये सारा चेंज कर देंगे और चूना अच्छे से करेंगे और अच्छे से साफ करके तो 10-15 मिनट इसको देंगे जगह को, नमी इसकी सारी निकल जाएगी। नमी के बाद दोस्तों हम इस तरह करेंगे कि ये सारा जितना भी है ये जगह इसको दोबारा अच्छा साफ सुथरा पूरा ला के उड़ा ला के पूरा ला के चावल का छिलका ला के जो भी आप मर्जी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो सारा छा देंगे। तो इंशाल्लाह इससे ये होगा कि सफाई वगैरह हो जाएगी, चूजा आपका एक्टिव रहेगा और हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो ये है कि हम 10वीं वीडियो में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल से बताएंगे हमने क्या किया है, कल क्या चेंजिंग की है, क्या नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों गैस बन जाती है, गैस की वजह से ये होता है कि
सूर्य की जो आंखें दे रहे हैं उसके पास शाम जो है तो मसला हो जाता है, हमारे तो ये है कि दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दसवीं वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक ये दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।